हे गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का पेपर राजस्थान प्री पीजी, जैसा कि सब लोग जानते हैं राजस्थान प्री पीजी का पेपर अभी थोड़ी देर पहले हुआ था। आधा घंटे पहले ये पेपर पहुंचा है और कोशिश की है कि आधे घंटे के अंदर जितना हो सके मैक्सिमम आपको प्रोवाइड करवाया जाए, यानी कि सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो मिल गए हैं। लेकिन बाय चांस अगर गलती से एक या दो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूं, क्योंकि मिस्टेक पॉसिबल हो सकता है। तो आप लोगों के लिए जितने भी क्वेश्चंस के आंसर है वो जल्दी से प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जा रही है और उम्मीद करता हूं कि आपको ये विजिबल होगा प्रॉपर। एक्चुअल में टाइम इसीलिए लग गया था क्योंकि एग्जैक्ट जो PDF थी वो नहीं मिल पा रही थी, मतलब इसका ब्लर काफ़ी ज़्यादा आ रहा था। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, बहुत बढ़िया जी। पंकज गुड आफ्टरनून, जय यादव गुड आफ्टरनून, पंकज सिहा गुड आफ्टरनून जी। चलिए बेटा तो स्टार्ट करते हैं। आपको विच टाइप ऑफ वेदर फोरकास्ट इज यूजफुल फॉर चूजिंग क्रॉपिंग पैटर्न, यानी कि किस टाइप का जो आपका वेदर फोरकास्टिंग है किया जाता है किसके लिए, आपके क्रॉपिंग पैटर्न के लिए। तो इसके अंदर अगर हम बात करें क्रॉपिंग पैटर्न के लिए तो आप सब लोग जानते होंगे कि हमारा वेदर फोरकास्टिंग वैसे आपका मेजरली तीन टाइप का होता है। एक शॉर्ट रेंज होता है, एक आपका यहाँ पर मीडियम रेंज होता है और एक आपका लॉन्ग रेंज होता है। और इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो एक और बच जाता है जिसको हम नव कास्टिंग बोलते हैं। विद इन 24 आवर जो होता है उसको हम नव कास्टिंग के नाम से जानते हैं, यानी कि नव कास्टिंग। नव कास्टिंग का मतलब क्या होता है? जो अभी रिसेंट में ही आपका आता है ना, 24 घंटे के लिए आता है, वो आपका होता है नव कास्टिंग। उसके लिए उसके बाद आपका होता है शॉर्ट टर्म, है ना। तो ये आपका जो है 24 आवर से लेके और 72 आवर्स यानी कि 1 डे से लेके आपका 3 डेज तक होता है और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है अप टू 5 डेज। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका मीडियम रेंज, ये रेंज आएगा, टर्म नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका होता है 3 to 10 डेज और जो लॉन्ग रेंज है वो हमारा 10 to 30 डेज, ठीक है। तो इस प्रकार से रहते हैं तीनों के तीनों। इसमें अगर हम बात करें तो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि यहाँ पर वेदर फोरकास्टिंग जो है क्रॉपिंग पैटर्न के लिए आप लोग क्यों चूज करते हो। देखो, अगर इरिगेशन वगैरह करना है तो वो 1-2 दिन के लिए करना होता है, लेकिन आप लोग जानते हो क्रॉपिंग पैटर्न में आपका जो है काफ़ी लंबा टाइम हमें चाहिए होता है और उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि आने वाले महीने में 2 महीने में बारिश होगी या नहीं होगी, तो उन सभी के अकॉर्डिंग जो है इसको चूज किया जाता है। तो हमेशा याद रखना इसके अकॉर्डिंग हमारा जो लॉन्ग रेंज है वो जाएगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ का टाइम यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। तो आंसर जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा? लॉन्ग रेंज रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने आंसर सही किया होगा। और एक चीज और बता दूं कि क्वेश्चंस बहुत आसान थे, ज्यादा डिफिकल्ट क्योंकि प्री पीजी को माना जाता है मोस्टली कि बहुत डिफिकल्ट और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन इन्होंने इस बार क्या किया, प्रीवियस ईयर जितने भी आपके MSc वगैरह के जो भी क्वेश्चंस थे उनको उठाया और एग्जैक्ट जो है यहाँ पर डाल दिया, यानी कि इतना हार्ड नहीं था अगर हम प्रीवियस एग्जाम्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एग्जाम ये कहूँगा कि मॉडरेट था, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, ज्यादा ईजी भी नहीं था, मॉडरेट लेवल जो है एग्जाम का था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एक कंपोनेंट ऑफ ड्रिप फर्टिगेशन सिस्टम इज। देखिए, ड्रिप फर्टिगेशन सिस्टम की जब बात करते हैं तो आप सब लोग जानते हो कि यहाँ पर आपका फर्टिगेशन वर्ड जो है वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कर रहा है। इसमें एक्चुअल में क्या है कि रेन गेज जो है वो रेन को मेजर करने के लिए होता है। फ्लैट आपका फैन नोजल जो है वो डेफिनेटली स्प्रेयर का पार्ट है, हैंड स्प्रेयर ये भी एक स्प्रेयर है। बचा क्या? वेंचुरी, वेंचुरी बोल सकते हो, या फिर जो फर्टिगेशन के अंदर आपका जिसको फर्टिलाइजर को मिक्स करने के लिए यूज करने वाला जो सिस्टम होता है उसको हम लोग वेंचुरी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो ये एक ही आंसर बचता है कि कंपोनेंट ऑफ ड्रिप फर्टिगेशन सिस्टम। साफ इन्होंने मेंशन किया था कि ड्रिप फर्टिगेशन सिस्टम यानी कि फर्टिगेशन के रिलेटेड। तो आपका आंसर जो जाएगा वो क्या जाएगा? वेंचुरी जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके थर्ड क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन फॉर व्हीट क्रॉप, मोस्ट डिफिकल्ट एंड मोस्ट हार्ड क्वेश्चन, है ना। यानी कि पेपर की अगर हम बात करते हैं तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, आप लोगों को बहुत मुश्किल से आया होगा शायद इसका आंसर, लेकिन वही बात है कि शायद किसी के स्पेशल नोट्स में ही मिलेगा ये, वरना तो कहीं मिलना मुश्किल ही मिलेगा, है ना। चलिए तो क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज आपका जो है इसके लिए आंसर होगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है, डैश इज द रिलेटिव लैंड एरिया अंडर सोल क्रॉप इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यील्ड अचीव्ड इन इंटरक्रॉपिंग। भाई अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है क्रॉपिंग सिस्टम, है ना, जो लोग बोलते हैं ना कि क्रॉपिंग सिस्टम, अब देखिए क्रॉपिंग सिस्टम का क्वेश्चन है, और क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर जब आप लैंड इक्विवेलेंट रेशियो पढ़ते हो तो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो में आप लोग बोलते हो कि आपकी क्रॉप्स का जो इंटरक्रॉपिंग के रिस्पेक्ट में यहाँ पर अगर हम बात करें, है ना, तो आप लोग सब जानते होंगे कि बेस क्रॉप में और इंटरक्रॉप में जो आपका रेशियो होता है उसको हम लोग यहाँ पर लैंड इक्विवेलेंट रेशियो बोलते हैं। एक्चुअल अगर हम बात करें यहाँ पर लैंड इक्विवेलेंट रेशियो की तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है कि आपका यील्ड इन इंटरक्रॉप अपॉन यील्ड इन सिंगल क्रॉप, ठीक है। तो ये आपका रहता है, और ये एक्चुअल में क्योंकि इंटरक्रॉपिंग में दो क्रॉप होती हैं, एक आपकी कंपोनेंट क्रॉप यानी कि जो यहाँ पर इंटरक्रॉप के नाम से जानी जाती है, और एक आपकी मेन क्रॉप होती है जिसको हम बेस क्रॉप के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो है कंपोनेंट क्रॉप लिख लो या कोई भी लिख लो, तो ये इसमें दोनों का ही रेशियो रहता है, एक मेन क्रॉप का और एक आपका यहाँ पर इंटरक्रॉप का। तो ये आपका इंटरक्रॉप का लिया जाएगा और ये यहाँ पर मेन क्रॉप का लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यील्ड इन इंटरक्रॉप, यील्ड इन सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम, तो दोनों में से वही चीज यहाँ पर बोली गई है कि डैश इज द रिलेटिव लैंड एरिया अंडर सोल क्रॉप दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यील्ड अचीव्ड इन इंटरक्रॉपिंग, है ना। तो ये यहाँ पर क्या जाएगा, आपका लैंड इक्विवेलेंट रेशियो जाएगा, अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है इस फॉर्मूले को। अब यहाँ पर थोड़ा सा टाइम कम है, वरना बच्चे बोलेंगे कि सर आपने एक्सप्लेनेशन करना स्टार्ट कर दिया। 100 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ही अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे का चला जाएगा, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं अगर आप लोग रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो। यहाँ पर मैं केवल क्वेश्चन और आंसर ही कर दूं, वही बहुत बढ़िया बात है ना। चलिए नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सेलाइन सोइल हैव एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ, सेलाइन सोइल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी होती है? तो आप सब लोग जानते हैं कि आपका जो सेलाइन सोइल है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मोर देन 4 होती है, एल्केलाइन की लेस देन 4 होती है ना। ये आपकी 3-4 पैरामीटर आप लोगों ने सुने होंगे, एक आपका ईसी, एक आपका यहाँ पर सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो, और एक आपका जो है यहाँ पर क्या कहते हैं उसको, ईसी, सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो, एसएआर, है ना, और एक क्या होता है वो आपका जिसको हम बोलते हैं क्या कहते हैं आपका सोडियम के रिलेटेड, जिसको हम बोलते हैं आपका ESP की फुल फॉर्म होती है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, है ना, माइंड से निकल जाता है यार, है ना। तो सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो और ESP। तो EC जो होती है उसके लिए पैरामीटर है आपका 4। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एसिडिक सोइल के लिए आपका सेलाइन सोइल के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये मोर देन 4 होगा, और एडजॉर्प्शन रेशियो जो है वो आपका लेस देन 13 होगा, और ESP जो है वो लेस देन 15 होगा। लेकिन यहाँ पर एल्केलाइन सोइल की अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए आपका लेस देन 4 होगा, ये मोर देन 13 होगा, और ये मोर देन आपका 15 होगा। लेकिन अगर हम बात करें सेलाइन एल्कलाइन की तो उसमें आपका मोर देन 4, मोर देन 13, ठीक है, और मोर देन 15। तो ये आप लोग कर लोगे आराम से, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए तो यहाँ पर आपका आंसर क्या जाएगा, मोर देन 4 आपका मिली महो पर सेंटीमीटर। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ता हूँ यहाँ पर। वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर जाएगा वो भाखड़ा प्रोजेक्ट ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके राजस्थान के अंदर इन राजस्थान अंडर कैनाल इरिगेशन सोर्स द मेजर एरिया इरिगेटेड इज थ्रू डैश प्रोजेक्ट, कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो एरिया इरिगेटेड है वो किस सोर्स के द्वारा है या किस प्रोजेक्ट के द्वारा है। क्या चंबल प्रोजेक्ट है, गंगा कैनाल प्रोजेक्ट है, गुड़गांव कैनाल प्रोजेक्ट है, या फिर भाखड़ा प्रोजेक्ट है? देखो गुड़गांव कैनाल तो नहीं होगा और चंबल का भी इतना बड़ा एरिया नहीं है आपके यहाँ पर, या तो आपका गंगा कैनाल प्रोजेक्ट होगा या फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भाखड़ा प्रोजेक्ट होगा। अब आप बताओ कि इनमें से यहाँ पर आंसर क्या होगा। मेरे अकॉर्डिंग भाखड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर मान के चलता हूँ, क्योंकि जो इंदिरा गांधी कैनाल है वो इसी से जाती है आपकी, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि क्या हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट आपका जो है उसी के अकॉर्डिंग मैं इसका आंसर करने जा रहा हूं, बाकी एक बार आप लोग देख सकते हो। अगेन एग्रोनॉमी जो वर्ड है वो किससे डेराइव हुआ है, तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत हार्ड क्वेश्चन है ना, मुश्किल होगा आइडेंटिफाई करना। चलिए ग्रीक वर्ड, ठीक है, वाटर यूज एफिशिएंसी। अच्छा वाटर यूज एफिशिएंसी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप सब लोग जानते हैं कि वाटर यूज एफिशिएंसी का मतलब क्या है। तो यहाँ पर वैसे तो आंसर आपका क्या होगा, यील्ड अपॉन एवेपो ट्रांसपिरेशन, यानी कि यील्ड के रिस्पेक्ट में कितना आपका एवेपो ट्रांसपिरेशन हुआ, तो वो आपका जो है इस चीज को हम लोग आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जी मुकेशर 3 भी हम मान सकते हैं। बाकी देखो क्या होता है कि इसके अंदर आंसर प्रोजेक्ट जो है सर मेरे अकॉर्डिंग अभी भाखड़ा है, बाकी गंगा आपका हो सकता है क्योंकि गंगा प्रोजेक्ट राजस्थान के रेफरेंस में नहीं सुना। ओके चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पर गंगे प्रोजेक्ट समथिंग बोला जाता है, तो समथिंग वो भी हो सकता है। तो एटलीस्ट आपका भाखड़ा प्रोजेक्ट अभी मान लीजिए, ये एक आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो इस क्वेश्चन के ऊपर, तो इसका 2 चला जाएगा। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ एटमोस्फियर रेनी क्लाउड आर फॉर्म्ड, कि आपका एटमोस्फियर के अंदर रेनी क्लाउड जो है वो किसके अंदर बनते हैं, मीजोस्फियर में, थर्मोस्फियर में, ट्रोपोस्फियर में या फिर स्ट्रेटोस्फियर में। आप सब लोग जानते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर हमारे 4 क्या होते हैं, स्फीयर होते हैं। तो 4 स्फीयर में से जो आपका यहाँ पर रेनी क्लाउड है वो कहाँ बनते हैं, तो आपका जो ट्रोपोस्फियर जो सबसे नीचे की लेयर हमारी होती है उसी में आपके क्या बनते हैं, रेनी क्लाउड बनते हैं। आपके बादलों का बनना या फिर जितनी भी आपकी आंधी आना, तूफान आना, ये सारी एक्टिविटीज होती है वो ट्रोपोस्फियर में होती है। इसीलिए आपका जो जहाज उड़ता है, जो एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं वो स्ट्रेटोस्फियर में उड़ाए जाते हैं। तो सेकेंड जो आपकी लेयर होती है वो आपकी स्ट्रेटोस्फीयर होती है ना। और जो ट्रोपोस्फीयर की हाइट होती है वो 0 से लेके अप्रोक्सीमेटली 16 टू 18 किलोमीटर रेंज आपकी वेरी करती है। और यहां पर आपका 18 टू 15 जो है वो क्या होता है, आपका यहां पर जो है स्ट्रेटोस्फीयर होता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में आपके एरोप्लेन को उड़ाया जाता है और यहां पर ट्रोपोस्फीयर के अंदर ही मोस्टली जो एनवायरमेंटल एक्टिविटी हमारी होती है वो कहां पर होती है, इसी में होती है। तो आंसर क्या जाएगा आपका यहां पर, ट्रोपोस्फीयर। नेक्स्ट है ए हर्बिसाइड्स बिलोंग्स टू एमाइड ग्रुप इज, जो आपका एमाइड ग्रुप से बिलोंग करने वाला हर्बिसाइड है वो कौन सा है, तो यहाँ पर आपका ब्यूटाक्लोर जो है इसके लिए आंसर चला जाएगा। देखिए यार केमिकल्स के लिए आपको बहुत बार जो है आपके बहुत बार क्लासेस अगर हम बात करें तो जो आपके टेस्ट सीरीज तो नहीं बोलूंगा, लेकिन यहाँ पर ये बोलूँ क्वेश्चन सीरीज जो चलाई जाती है उस समय मैंने बार बार आपको बोला था कि क्वेश्चन के अंदर आजकल जो उनके केमिकल ग्रुप है वो पूछे जाते हैं। तो केमिकल ग्रुप को जरूर याद कर लेना, आपके ट्रेड नेम इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन फिर भी क्या है कि किस केमिकल ग्रुप से पर्टिकुलर केमिकल बिलोंग करता है वो आपसे पूछ लेते हैं। तो मैंने आपको ज्यादातर ये एंटोमोलॉजी के रिस्पेक्ट में बताए थे, लेकिन यहां पर हर्बिसाइड के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आया हुआ है कि एमाइड ग्रुप से कौन सा बिलोंग करता है, तो आंसर क्या चला जाएगा आपका, ब्यूटाक्लोर। तो एक बार इन क्वेश्चंस को जरूर देख लेना क्योंकि ये क्वेश्चंस आजकल जनरल हो चुके हैं, नॉर्मल हो चुके हैं, है ना। चलिए टेक्नोलॉजी टू मैनेज, अच्छा ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मैं बार बार आपको कभी भी ये काम करना, पिछले 15 वीडियोज को अगर आप देखोगे तो 12 वीडियो में एक बात मिलेगी, वो ये मिलेगी कि प्लीज एक टॉपिक पढ़ लीजिए जिसका नाम है प्रिसीजन फार्मिंग। क्यों पढ़ लीजिए, क्योंकि प्रिसीजन फार्मिंग इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि हर एग्जाम के अंदर आपका आ जाता है। ठीक है, तो प्लीज एक बार इसको हमेशा देखिएगा कि ये जो प्रिसीजन फार्मिंग है वो आपका आजकल हर एग्जाम में आ रहा है। और रिसेंटली इसके लिए बजट भी आपका दिया गया था ड्रोन, है ना, किसान ड्रोन के नाम से। तो टेक्नोलॉजी टू मैनेज स्पेशियल एंड टेम्परल वेरिएबिलिटी एसोसिएटेड विद ऑल एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, प्रिसीजन फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग या फिर झूम फार्मिंग। तो ये हमारा क्या होता है, प्रिसीजन फार्मिंग जो है इसका राइट आंसर जाएगा। देखिए इसकी डेफिनेशन जितने भी एग्जाम अब तक आए हैं उन सभी के अंदर आपका जो है एक बड़ा जो है काम कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन रहा है। और हर बार इसकी लैंग्वेज जो आई है, डेफिनेशन जो आई है वो बिल्कुल अलग होकर आई है, बिल्कुल डिफरेंट होकर आई है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को जरूर देखें आप लोग जब भी पढ़ते हैं इसके अंदर, क्योंकि आपको डेफिनेटली एक एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं यार, ये आने वाले एग्जाम में हर एग्जाम में हेल्प करने वाले। और अगर आप इफ्को के एग्जाम में जाने वाले हो तो एक काम करना, ये 100 क्वेश्चंस में से आपको कई क्वेश्चंस जो होंगे वो एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इफ्को के लिए जा रहे हो और एएफओ में जा रहे हो आगे आने वाले में, तो उसमें भी देखने को मिल जाएंगे। आरआरबी एसओ में जा रहे हो तो भी मिल जाएंगे, एनएससी के लिए जा रहे हो तो भी मिल जाएंगे, नाबार्ड में जा रहे हो तो भी मिल सकते हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि इसके रिलेटेड क्वेश्चंस यहां पर ये इंपॉर्टेंट होते हैं। और इनमें से जैसे पर्टिकुलर टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो यहां पर आपका जो है अगर हम बात करें तो प्रिसीजन फार्मिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है। और प्रिसीजन फार्मिंग के अंदर याद रखना साइट स्पेसिफिक फार्मिंग भी इसको बोल देते हैं। यहां पर सुदेश ने बोला बिल्कुल सही है कि इसको साइट स्पेसिफिक फार्मिंग भी बोलते हैं, है ना। लोकेशन स्पेसिफिक फार्मिंग भी इसको जो है माना जाता है। नेक्स्ट है वो इज द कंसिडर्ड एज फादर ऑफ टीलेज, तो फादर ऑफ टीलेज जो है किसको कंसिडर किया जाता है आपका जेथ्रो टुल को। नेक्स्ट है द एनर्जी स्टेटस ऑफ वाटर एट फील्ड कैपेसिटी इज, ये तो आपसे 2 दिन पहले ही जो क्वेश्चन का आंसर आपको दिया करवाया गया था, अच्छे से बताया था कि जो फील्ड कैपेसिटी है वो कितनी होती है, ठीक है। तो इसको जरूर आप लोग पढ़िए क्योंकि यहाँ पर आपका जो एनर्जी स्टेटस है इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है वो क्या रहेगा। जीरो पॉइंट जीरो वन, जीरो पॉइंट जीरो, जीरो पॉइंट थ्री जीरो मास्कल, अच्छा ये आपका मेगा पास्कल के अंदर आंसर आपका पूछा गया है, बार में यहाँ पर नहीं पूछा गया। आपको बता दूं कि 1 बार जो होता है वो आपका इक्वल टू होता है 0.1 मेगा पास्कल, कितने के बराबर आपका 0.1 मेगा पास्कल के इक्वलेंट होता है 1 बार। सो यहां पर जो आंसर होने वाला है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो फील्ड कैपेसिटी में आप सब लोग जानते हो 0.1 से लेके 0.3 बार होता है, तो बार जो है वो यहाँ पर 0.1 ऑलरेडी हो गया, तो इसके अंदर 1 पॉइंट आपका और लग जाएगा या फिर इसको यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो डेफिनेटली जो आपका आंसर जाने वाला है वो क्या जाने वाला है, देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको या तो उसका पर्टिकुलर वैल्यू पता होना चाहिए या उसका वैल्यू नहीं पता है तो आप उसका आंसर मत कीजिए क्योंकि गलत हो सकता है। आप प्रीवियस के अकॉर्डिंग आंसर कर दोगे तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, आपका गलत निकल के आएगा। लेकिन अगर यहाँ इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि पर्टिकुलरली यहाँ पर यही एक जो वैल्यू है उसको जो डिनोट कर रही है, तो आंसर क्या होने वाला आपका 0.01 से लेके 0.03 मेगा पास्कल यूनिट, ठीक है। तो इस चीज को देखकर अच्छे से आंसर किया करें क्योंकि कई बार यहां से गलतियां हो जाती है कि हम लोग करते क्या है ना। देखिए अब यहां पर ये इजीली कई बच्चों ने कर दिया होगा, लेकिन अगर आपने ये किया है तो आंसर सही है क्योंकि मेगा पास्कल के अकॉर्डिंग पूछा गया था। 1 बार जो है वो आपका 0.1 मेगा पास्कल के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो इसको जरूर आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट है साइनोडॉन डेक्टिलोन इज ए, साइनोडॉन डेक्टिलोन जो है वो किस प्रकार का वीड है, पेरिनियल है, एनुअल है, बाइनियल है या फिर आपका ट्रेनियल है। तो आपको पता होगा क्या है साइनोडॉन डेक्टिलोन, जल्दी बताइए आंसर 14 का। वैसे आंसर इन्होंने दे रखा है जिसने भी आंसर पेपर किया है, बहुत बढ़िया आपका पेरिनियल वीड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका फ्लोर गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस while working on, कि आपका फ्लोर जो है उन्होंने रिसर्च किया था, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस दिया था, तो उन्होंने किस पर्टिकुलर क्रॉप के ऊपर करते हुए इसको दिया गया था, तो आपका लिन सीड के ऊपर जो है इसको दिया गया था, ठीक है जी। केसी सर ने बिल्कुल करवाया था, है ना, याद है पैथोलॉजी के 3 लेक्चर्स आपके हुए थे, है ना, तो उसमें उन्होंने सर ने करवाया था। और आज आपका इकोनॉमिक्स का लेक्चर भी था मॉर्निंग में, तो सर ने आपको मोस्टली क्वेश्चन जो है वहां पर कवर करवा दिए थे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हैं यहाँ पर कि ये जो आज का इकोनॉमिक्स का लेक्चर था, 3 पैथों के पहले लेक्चर हुए थे, वो सारे के सारे लेक्चर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। इस बार एग्जाम में कहीं ना कहीं हेल्प आपको मिली होगी इनके द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द प्रोजेनी ऑफ क्रॉस बिटवीन 2 जेनेटिकली डिफरेंट होमोजाइगस प्लांट इज नोन एज, जब द आपका प्रोजेनी होता है 2 होमोजाइगस प्लांट के बीच में, है ना, ए और बी के बीच में, तो क्रॉस क्या निकल कर आएगा। अब आप लोग सोचोगे यार इसका तो वैरायटी आंसर हो जाएगा, अरे वैरायटी नहीं, जब भी कोई 2 क्रॉस होता है तो आपका F1 निकल कर आता है जिसको हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं, है ना। 2 वैरायटीज के बीच में जब भी क्रॉस होता है तो उसको हम लोग हाइब्रिड या F1 के नाम से जानते हैं। अब वो आपका इंटरवेरिएटल हो सकता है या फिर आपका इंटर जेनरिक हो सकता है, वो बाद की बात है, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर जो जाएगा इसके अकॉर्डिंग वो क्या जाएगा, F1 हाइब्रिड जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है बिल्कुल सुदेश, यहाँ पर आपका फ्लैक्स रस्ट उसको बोला जाता है ना। नेक्स्ट आपका 17 क्वेश्चन है द जेनेटिक आर्किटेक्चर ऑफ क्लोन वैराइटीज। देखो क्लोन जो होता है उसमें क्या होता है, बिल्कुल जीनोटाइप सेम होता है ना, जो आपका वहां पर अगर हम बात करें तो उसके जैसा ही जीनोटाइप बिल्कुल देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप लोग इसको डिसाइड करो कि होमोजाइगस होगा, हेट्रोजाइगस होगा, या होमोजाइगस आपका हेट्रोजाइगस होमोजाइगस होगा, हेट्रोजाइगस होमोजीनस होगा, है ना। तो आप यहां पर जीनस भी सेम होगा और जायगोट भी सेम होगा, तो आंसर क्या जाएगा, होमोजाइगस होमोजीनस, क्या जाएगा, होमोजाइगस और होमोजीनस। तो आंसर क्या रहेगा आपका यहां पर जो है, होमोजाइगस और होमोजीनस। अब देखिए यहां पर जो ब्रीडिंग के क्वेश्चंस है ना वो नॉर्मल क्वेश्चंस है, और ऐसे ही क्वेश्चंस आजकल एएफओ में भी आपके आते हैं, है ना, और ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो आपके डब्ल्यूओ वगैरह के जो एग्जाम है आपके राजस्थान के अंदर या फिर ओवरऑल अगर हम बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो उनमें भी ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपका आ सकता है, ठीक है। चलिए तो ये आपका आंसर क्या रहने वाला है, होमोजाइगस एंड होमोजिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वालिटी प्रोटीन मेज इज डिफरेंट देन नॉर्मल मेज बिकॉज इट हैज हायर अमाउंट ऑफ। देखिए मेज के अंदर वैसे नॉर्मल अगर हम बात करें तो सभी सीरियल्स में लाइसिन आपका क्या है, एक आपका न्यूट्रिएंट डेफिसिट, सॉरी एमिनो एसिड डेफिसिट है। लेकिन आपका मेज एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें लाइसिन के साथ साथ ट्रिप्टोफैन भी क्या होता है, डेफिसिट होता है। लेकिन क्वालिटी प्रोटीन मेज के अंदर प्रोटीन कंटेंट को इंप्रूव किया गया था, और प्रोटीन किससे एसोसिएटेड होते हैं, एमिनो एसिड से आपके एसोसिएटेड होते हैं। तो यहां पर आपका लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की अमाउंट को इंक्रीज किया गया था किसके अंदर, क्वालिटी प्रोटीन मेज के अंदर। और ये किसने दिया था क्वालिटी प्रोटीन मेज का कॉन्सेप्ट, सुरेंद्र कुमार वत्सल ने जो है ये कॉन्सेप्ट आपका दिया था। ठीक है, आपका सुरेंद्र कुमार वत्सल ने जो है ये आपका कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्मिक एंड जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट वाज डिस्कवर्ड बाय। साइटोप्लाज्मिक और जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी जो है प्लांट के अंदर वो आपका जोन्स एंड डेविस के द्वारा जो है 1944 में इसको क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला आपका है, सिमिट मैक्सिको मेंटेन्स द जर्म प्लाज्म ऑफ। देखिए सिमिट मैक्सिको के अंदर किसका जर्म प्लाज्म जो है वो मेंटेन किया जाता है। देखिए यहां पर आपको बता दूं कि मेज और आपके वीट का तो ये जर्म प्लाज्म मेंटेन करते ही हैं, साथ में याद रखना ट्रिटिकेल का भी यहां पर क्या किया जाता है आपका, क्योंकि सिमिट मैक्सिको जैसे ही आप लोग देखोगे तो आप आंसर यहां पर मेज करने की कोशिश करोगे, लेकिन मेज के साथ साथ वीट और वीट के साथ साथ ये लोग ट्रिटिकेल का भी आपका जर्म प्लाज्म जो है उसको मेंटेन रखते हैं। तो यहां पर आपका आंसर जो जाएगा वो क्या जाएगा, ऑल ऑफ देम जाएगा या ऑल ऑफ दीज जाएगा। ठीक है, चलिए इन मेज क्रॉप ए क्रॉस बिटवीन एन इनब्रीड लाइन एंड ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी इज। अब आप सब लोग जानते हैं कि एक इनब्रीड लाइन और ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के बीच में क्या कहलाता है आपका, टॉप क्रॉस होता है ना। तो आंसर यहां पर क्या जाएगा आपका 21 का 1, यानी कि टॉप क्रॉस जो है इसके लिए राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए और सिंगल क्रॉस क्या होता है, ए और बी का ये जो क्रॉस है ये क्या है, सिंगल क्रॉस है। और डबल क्रॉस क्या है, ए बी आपका ये जो क्रॉस जाएगा है ना, और उसके बाद यहाँ पर आपका सी के साथ होने के बाद ये क्या निकल जाएगा आपका, डबल क्रॉस निकल जाएगा है ना। उसी प्रकार से ये आपका थ्री वे क्रॉस, आप सब लोग इसको जानते हो ना क्रॉस को, यानी कि एक दिन आपको क्रॉस का आई थिंक सो मैंने करवाया है ऑलरेडी, जो इनब्रीडिंग ये जो आपका एक वीडियो है उसके अंदर कंप्लीट एक्सप्लेन किया गया था है ना, तो उसमें आप लोग एक बार जरूर इनको जाकर देख लेना। नेक्स्ट है, इन विच क्रॉप डॉक मेथड इज एडोप्टेड फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। देखिए जो डॉक मेथड है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करने के लिए, ये कॉटन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली यहां पर आंसर क्या चला जाएगा आपका, कॉटन। चलिए नेक्स्ट आपका है, द टोमेटो ट्रांसजेनिक वेराइटी फ्लेवर सेवर वाज डेवलप्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी। देखिए आप सब लोग जानते हैं कि आपके टोमेटो की एक ट्रांसजेनिक वेराइटी है, वेराइटी का नाम है आपका फ्लेवर सेवर। तो फ्लेवर सेवर जो वेराइटी है वो किस टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है डेवलप की गई है, तो क्या आपकी एंटीसेंस डीएनए है या एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी है, टर्मिनेटर जीन टेक्नोलॉजी है या म्यूटेशन ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी है। तो याद रखना ये एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इन थ्री जीन आर सेग्रीगेटिंग फॉलोड मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हाउ मेनी इन डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप विल बी डेवलप्ड इन F2 जनरेशन। देखिए ये क्वेश्चन मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों ने गलत किया होगा, आप लोग अगर आप लोग बता सकते हो यहाँ पर तो जल्दी से बताइए कि ये क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर ढंग से देखोगे तो क्या लिखा हो आपका थ्री जीन। और अब आप लोग क्या करने वाले हो, जरा आंसर का इसका कीजिए, क्योंकि मुझे पता है 99% आपका पहले आंसर होना चाहिए। मोस्टली बच्चों ने पेपर दिया होगा, लेकिन किसी बच्चे ने नहीं भी पेपर दिया, तो जल्दी से इसको जो है आंसर बताइए। बिल्कुल सुदेश, एंटीसेंस होगा 22 आंसर, समझाइए 22 आंसर। एक सेकेंड इसका बताता हूं, पहले इसका आंसर करो जल्दी से कि थ्री जीन अगर आप सेग्रीगेटिंग करते हो तो इसका आंसर क्या होगा। केवल सुदेश ही आंसर कर रहा है, और कोई आंसर नहीं करेगा, बाकी लोग पढ़ते नहीं हो क्या। मुझे पता ही था यही आंसर यहाँ पर किया भी हुआ इन लोगों ने, लेकिन आंसर ये नहीं है। आंसर क्या जाएगा आपका 27। ठीक है, अगर आपने 27 किया है तो बिल्कुल सही है, वरना आप में से बहुत सारे बच्चों ने 64 किया होगा, तो 64 आपका क्या है, गलत आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपका एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि सर 22 को एक्सप्लेन, अरे यार 22 मेथड है यार, आपका हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करने की टेक्नोलॉजी है एक, ठीक है, तो उसमें समझाने का क्या है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले टाइम में आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जेनेटिक प्योरिटी ऑफ ए प्योर लाइन वेराइटी कैन बी मेंटेन्ड बाय मास सिलेक्शन, बिल्कुल सही आंसर लगाया इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट आपका 26 है स्वर्णा सवन जो है वो आपकी किसकी वैरायटी है। ठीक है, तो स्वर्णा सवन जो है वो आपकी यहाँ पर राइस की जो है इंपॉर्टेंट वैरायटी है, तो आंसर क्या जाएगा आपका राइस। और नेक्स्ट है द मोस्ट अबंडेंट प्राइमरी मिनरल्स आर क्वार्ट्ज एंड, आपको पता है सबसे ज्यादा क्वार्ट्ज और आपका फेल्डस्पार या सिलिका या एल्यूमिनियम, अगर मिनरल्स की प्राइमरी मिनरल्स की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना आपका यहाँ पर आंसर जो जाएगा वो क्या रहेगा, आंसर जो होगा वो क्या होगा, फेल्डस्पार, क्योंकि फेल्डस्पार आपका मोस्ट अबंडेंट मिनरल्स में से एक आपका है, यहाँ पर प्राइमरी मिनरल जो पाए जाते हैं, क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार जो है मेनली दो हैं। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश सोयल सर्वे आर टू हैव ए ब्रॉड आइडिया अबाउट मेजर सोयल ग्रुप, तो याद रखना आपका जो रिकॉम्बिनेंस, ये जो आपका नाम प्रोनाउंसिएशन, मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आएगी मुझे, है ना, जो भी आपका है इसको याद रख लेना, ये आपका जो है यहाँ पर आंसर होगा किसके लिए, ये सोयल सर्वे किया गया था किसके लिए, मेजर सोयल ग्रुप्स के लिए, आपका एक ब्रॉड आइडिया डेवलप करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टेक्सचरल क्लासेस इज हैविंग हायर सैंड कंटेंट, इनमें से सबसे ज्यादा सैंड कंटेंट किसमें होने वाला है, तो सैंड कंटेंट का ऑलरेडी बहुत बार आपको बताया गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इसको पढ़ा भी होगा और आंसर भी आराम से कर दिया होगा, क्योंकि 29 जो क्वेश्चन है मैं कम से कम 3 से 4 बार आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, है ना। तो ये आपका आंसर यहाँ पर क्या जाएगा, लोमी सैंड, सैंडी क्ले नहीं होगा बेटा, मैंने आपको बार बार बोला है कि ये जो यहाँ पर है इस प्रकार से लिखने से आंसर नहीं चला जाएगा, आप प्लीज की जो सीक्वेंस है उसको जब पढ़ा करो तब आपको आंसर यहां पर मिलेगा। तो ये आंसर क्या है आपका, लोमी सैंड। ठीक है, आंसर क्या जाएगा आपका, लोमी, सॉरी 29 है ना, हाँ 29 का लोमी सैंड जाएगा। नेक्स्ट है द बल्क ऑफ डैश पावर इज कंसंट्रेटेड इन द क्रिस्टलाइन क्ले मिनरल ऑफ सोयल कोलॉइड, तो फ्लोक्यूलेशन जो है इसका राइट आंसर रहेगा। द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल माइग्रेशन ऑफ स्मॉल मिनरल पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी हॉरिजन ऑफ सोयल प्रोड्यूसिंग इन बी हॉरिजन रिलेटिवली इन क्ले इज नोन एज, देखिए यहां पर क्या बोला गया कि द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल माइग्रेशन ऑफ स्मॉल मिनरल पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी हॉरिजन, यानी कि आपका माइग्रेशन हो रहा है आपके मिनरल पार्टिकल्स का कहां से, ए टू बी हॉरिजन। अब आप लोगों ने जैसे ही ये देखा तो आपके माइंड में एक चीज आई होगी कि यार यहां पर तो क्या होगा, एलुविएशन एंड एलुविएशन, लेकिन यहां पर इन लोगों ने फिर आगे कुछ और ही कर दिया, क्या, सिलिकेशन, मेलनाइजेशन, लेसिवेज, प्योरिफिकेशन, तो आंसर क्या जाएगा आपका 31 का, जल्दी बोलिए। लेविसेस। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आंसर गलत लिख देते हो तो उसको डिलीट मत किया करो, ठीक है। अभी तक जी पेपर टफ था, सचिन जाट, नहीं भाई पेपर टफ नहीं था यार, पेपर मीडियम था, है ना। पेपर टफ इसलिए लगता है क्योंकि हमने जब क्वेश्चन नहीं पढ़े होते ना तो आंसर हम ऐसे लगता है कि बहुत डिफिकल्ट था ना, तो आंसर इसका क्या होगा बेटा, लेविसेज होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, डेफिनेटली इस चीज़ को मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, ये पूरा टॉपिक है आप लोगों के साथ, है ना। इस बार मैंने कभी इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं किया कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन इस बार पक्का वादा रहा कि ये आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट है द एल्कलिनिटी इन एल्कलाइन सॉइल डिपेंड अपॉन रिलेटिव कंसेंट्रेशन ऑफ डैश एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन सोयल सॉल्यूशन। देखो होता क्या है कि सोयल के अंदर जो एल्कलिनिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, डेफिनेटली एल्कलिनिटी सोडियम पे मेनली डिपेंड करने वाली है, क्योंकि एल्कलिनिटी के अंदर एल्कलाइन सोयल में मेन कंपोनेंट क्या होता है, सोडियम। अब जरा सोडियम के यहाँ पर जो है वो कंपाउंड देखिए कौन कौन से हैं, क्या यहाँ पर सोडियम है, नहीं, क्या यहाँ सोडियम है, बिल्कुल नहीं, यहाँ सोडियम है लेकिन यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट भी है, लेकिन क्या कैल्शियम कार्बोनेट आपका होता है एल्कलाइन सोयल में, नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आपका सोडियम कार्बोनेट जो है वो आपका अच्छे से दिया गया है। इसमें दोनों कंपाउंड सोडियम के हैं, तो अगर आप लोग वैसे थोड़ा सा माइंड की इंटेलिजेंस को यूज करते तो भी आंसर क्या चला जाता, इसका 4 चला जाता, लेकिन फिर भी नहीं हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों ने इसको किया होगा, है ना, और नहीं किया होगा तो आगे से ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट है एसेंशियलिटी ऑफ आयरन इन प्लांट इज डिस्कवर्ड बाय, जो आयरन की एसेंशियलिटी है प्लांट के अंदर वो किसके द्वारा डिस्कवर की गई है, तो आयरन की एसेंशियलिटी यहाँ पर ई ग्रीस के द्वारा 1843 में जो है वो आपकी डिस्कवर की गई थी, ये आप लोग याद रखना। जिंक कोटेड यूरिया हैव कंटेन मैक्सिमम परसेंटेज जिंक, जिंक कोटेड यूरिया के अंदर मैक्सिमम कितना परसेंट होता है आपका, तो 14% आपका जिंक इसमें होता है। नेक्स्ट है मोस्ट सॉइल विच आर रिलेटिवली डार्कर हैव लोअर डैश दैट ड्रायर वंस, कि आपका जो मोस्ट सॉइल होती है वो आपका डार्कर सोइल के रिस्पेक्ट में उनके अंदर लेस होता है। क्या लेस होता है, अब देखते हैं, इम्पेडेंस, एग्रीगेट, एल्बिडो या आपका टिल्थ। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपका एल्बिडो यहाँ पर क्या होता है, लेस होता है। एल्बिडो का मतलब क्या होता है कि लाइट कितनी रिफ्लेक्शन हुई थी, तो आपकी मोस्ट सोइल के अंदर आप सब लोग जानते हो कि आपका यहाँ पर जो लाइट आएगी वो इतनी ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी जितनी कि ड्रायर सोइल में हो पाएगी, तो डेफिनेटली यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है आपका एल्बिडो, क्योंकि एल्बिडो यहाँ पर क्या होगा आपका जो है क्या कहते हैं उसको, आपका रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी, उसी एल्बिडो जो है आपका ज्यादा वहां पर नहीं हो पाएगी, वो लो होगी क्योंकि वहां पर लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। और एल्बिडो का मतलब क्या होता है कि लाइट किसी सरफेस से कितनी आपकी वापिस रिफ्लेक्ट हुई है, लेकिन यहाँ पर एल्बिडो जो है आपको पता है जिस भी क्रॉप के अंदर ज्यादा होता है उसका जो प्रोडक्टिविटी होता है, उसका यील्ड जो होता है वो भी आपका क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब की जाती है ना, सॉरी एल्बिडो आपका कम होता है जिस क्रॉप में, है ना, क्योंकि मैं खुद आपको पढ़ाते पढ़ाते कंफ्यूज ना हो जाऊं इसलिए मैंने आपको बता दिया कि एल्बिडो का मतलब है कि कितनी ज्यादा लाइट आपकी क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा यहां पर आपका 35 में 2 जाएगा सर, 33 में 3, 33 में हाँ 3 बेटा, बिल्कुल सही है आंसर, यही बताया था आपको। कोई दिक्कत है इसके अंदर? जी बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ फॉलोइंग सोइल कंजर्वेशन मेजर इज नॉट ए एग्रोनॉमिक मेजर। अच्छा यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले टाइम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो बेटा, हुआ क्या है यहाँ पर कि कौन सा सोइल कंजर्वेशन मेजर है जो कि एग्रोनॉमिकल मेजर नहीं है। देखो बेटा, कॉन्टूर कल्टिवेशन जो होता है वो एग्रोनॉमिकल मेजर है सोइल कंजर्वेशन का। आपका क्रॉप की ज्योग्राफी या ज्योमेट्री जो होती है वो भी डेफिनेटली यहाँ पर क्या है आपका एग्रोनॉमिकल है। टिलेज भी एग्रोनॉमिकल का पार्ट आएगा, लेकिन कॉन्टूर ट्रेंच जो है वो इसका पार्ट नहीं होता। कल्टिवेशन इसका पार्ट है कॉन्टूर, लेकिन कॉन्टूर ट्रेंच जो है वो मैकेनिकल पार्ट होता है, मैकेनिकल मेजर होता है। तो याद रखना कॉन्टूर ट्रेंच जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द टैक्सोन सब क्लास एंड विद द सफिक्स। जो आपका टैक्सोन सब क्लास है वो आपके माइसीड्स के साथ क्या होता है यहाँ पर जो है एंड होता है। नेक्स्ट है जीरो स्टेज ऑफ रस्ट फंगस इज कॉमनली नोन एज, कि आपका रस्ट फंगस का जीरो स्टेज क्या है। अब याद करो यार, सर ने बहुत अच्छे से बहुत मेहनत के साथ इन क्वेश्चंस को करवाया था आपको। अगर आपको याद है तो आप लोगों ने पिकनियोस्पोर किया होगा, अगर नहीं किया बेटा तो फिर तो पैथो आ गई, सोल्व करो बॉस। चलिए मेरे भाई, पढ़ लो इसको, है ना, क्या बताऊं मैं तुम्हारे। नेक्स्ट है वाटर डिस्पर्सल ऑफ स्पोर इज कॉल्ड। वाटर जो डिस्पर्सल होता है स्पोर का उसको आप लोग क्या बोलते हो, है ना। तो वाटर डिस्पर्सल जो होता है आपका स्पोर का वो हाइड्रोकोरी, साफ हाइड्रो, एक ही आपका वाटर का वो दिख रहा है यहाँ पर, तो एक ही होगा। नेक्स्ट है स्पेसिलोथिका रेलियाना कोज विच डिजीज इन सोरगम। आपका ये जो है सोरगम के अंदर किस डिजीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म है। तो वही बात है कि अगर अगेन आपने पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली हेडस्मट इसका राइट आंसर आपने किया होगा, वरना आंसर आपका फिर गलत हो गया। इन विच राइस डिजीज क्रैसेक फेज इज देयर। क्रैसेक फेज जो है किस में होता है, तो बैक्टीरियल लीफ लाइट में होता है। तो आंसर यहाँ पर क्या चला जाएगा आपका ये। नेक्स्ट है विच फंगिसाइड इज हाईली स्पेसिफाइड टुवर्ड ओमाइसिड्स फंगिसाइड। जो ओमाइसिड्स होते हैं उनके रिलेटेड में आपका आंसर क्या चला जाएगा यहाँ पर, मेटालेक्सेल, है ना, मेटालेक्सेल। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा आपका 1। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका एनेब रोगा और फुट रोट इफ डिजीज ऑफ, जो आपका एनेब रोगा या फुट रोट है वो किसका इंपॉर्टेंट डिजीज है, तो याद रखना जो आपका यहाँ पर आंसर है वो क्या रहेगा, एरेका नट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच वन इज द बड एंड लीफ नेमाटोड, जो आपका बड एंड लीफ नेमाटोड है वो यहाँ पर आपका कौन सा होने वाला है, तो बड एंड लीफ नेमाटोड के अंदर आंसर क्या जाएगा आपका एफलेनकॉइड्स, है ना। नेक्स्ट है सेवेरिटी ऑफ क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर कैन बी रिड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ, जो आपका क्लब रूट है वो यहाँ पर याद रखना लाइम के द्वारा, क्योंकि ये आपका एसिडिक सोयल में ज्यादा आकर करता है, तो यहाँ पर एसिडिक सोयल को अगर आप लोग रिमूव करोगे, एसिडिक सोयल को आप रिक्लेम करोगे तो आंसर क्या चला जाएगा आपका लाइम। नेक्स्ट है ईयर कोकल ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय, ईयर कोकल जो है वो आपका नेमाटोड के द्वारा होता है एंगुना ट्रिटिसाई, क्या होता है आपका एंगुना ट्रिटिसाई, तो आंसर क्या जाएगा आपका 46 का 1, जो कि हमारा क्या है नेमाटोड। नेक्स्ट है बेर वेराइटी थार सेविका डेवलप्ड विद द क्रॉसिंग ऑफ, ये आपका सेब और कैथा का क्रॉस है, जो कि आपके बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एसकेआरयू के अंदर इसको जो है आपका डेवलप किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डोगरीज जो है वो आपका किसका रूट स्टॉक होता है, तो ये आपका ग्रेप्स का रूट स्टॉक होता है। अगर आपने ग्रेप कल्टीवेशन पूरा का पूरा पढ़ा था, क्योंकि ग्रेप क्रॉप आपको पूरी की पूरी डिस्क्राइब की गई थी, आपके यूट्यूब चैनल पर ही मैम ने पूरा का पूरा आपको पढ़ाया था, लेकिन उम्मीद करता हूं आपने देखा था तो आपको समझ में आया होगा, अच्छे से पढ़ा भी होगा, लेकिन यहाँ पर आंसर जो है वो क्या होगा आपका ग्रेप। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर बॉटम हर्ट बॉक्स इज जनरली यूज फॉर, जो आपका बॉटम हर्ट बॉक्स है वो किसके लिए आप लोग जो यहाँ पर क्रिएट करते हो, सीड जर्मिनेशन के लिए, आपकी रूटिंग की कटिंग के अंदर रूटिंग के लिए, सीडलिंग के लिए आपको, या फिर आपका क्रॉप रेजिंग के लिए। तो याद रखना यहाँ पर आपका ये जो है आपकी जो कटिंग्स के अंदर रूटिंग को प्रमोट करने के लिए जो है इसको आपका डेवलप किया जाता है, किसके अंदर, जो आपकी कटिंग्स होती हैं उनके अंदर रूट को डेवलप करने के लिए इस मेथड को आप लोग क्या करते हो, डेवलप करते हो। नेक्स्ट है चूज द एरोमेटिक क्रॉप फ्रॉम द फॉलोइंग, आपकी एरोमेटिक क्रॉप को यहाँ पर क्या करना है, हमें आपको चूज करना है। अब एरोमेटिक क्रॉप इनमें से कौन सी है, जरा आंसर कीजिए जल्दी से। जी सर धन्यवाद, आप सब लोगों का साथ है कि सॉल्व करवा पा रहे हैं। अरे यार 129 130 इतने लोग देख रहे हैं, लाइक अभी तक 68 है, क्या बात है। 135 गलत बात है ना भाई, जल्दी से पहले लाइक करो यार। 140 150 150 लोग देख रहे हैं और आप लोग लाइक नहीं कर पा रहे हो, क्या बात है, सच में लाइक नहीं हो रहा है या इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या क्वेश्चंस मैंने नहीं बनाए बेटा, पेपर में ही ऐसे आए थे, मैं तो आपको सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है। लाइक नहीं करोगे मत करो यार, शेयर भी नहीं करोगे और सब्सक्राइब भी नहीं करोगे, ये तो गलत बात है ना, लाइव नहीं करोगे तो हाँ? चलिए अगर करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भाई आपकी मर्जी है, आपको कौन रोक सकता है। चलिए तो यहाँ पर आपका है मोस्ट सूटेबल टाइम फॉर नर्सरी रेजिंग इन खरीफ अनियन, खरीफ अनियन के लिए मई जून का जो टाइम होता है वो सूटेबल होता है। और अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर अमंग द फॉलोइंग विच मेडिसिनल क्रॉप नेचुरली प्रेवेल इन एरिड रीजन ऑफ थार डेजर्ट, कि आपकी कौन सी मेडिसिनल क्रॉप है जो कि ज्यादा प्रेवेल करती है थार डेजर्ट में। थार डेजर्ट की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली आपका वाटर लेस होगा वहाँ पर, और वाटर लेस होगा तो उस केस में आपका जट्रोफा कैरकस जो है वो एक इंपॉर्टेंट आपकी यहाँ पर जो है क्रॉप है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अमंग द डिफरेंट मल्टी स्टोरी एंड मल्टी स्पीसीज क्रॉपिंग सिस्टम विच सिस्टम सस्टेन मोस्ट इन एरिड रीजन, एरिड रीजन के अंदर इनमें से कौन सा सिस्टम आपका सस्टेन करने वाला है, तो याद रखना अब यहाँ पर साफ दिख रहा है बेर केर फोग, है ना, क्योंकि केर जो है वो आपका मोस्टली राजस्थान में होता है, बेर जो है वो भी आपका राजस्थान में होता है ना, तो यहाँ पर आपका फोग लास्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सूटेबल स्टोरेज टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिस्पेक्टिवली फॉर अनियन क्रॉप, अनियन क्रॉप के रिस्पेक्ट में दो क्वेश्चन आए हैं और यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है आपका और स्टोरेज टेम्परेचर यहां पर क्या होने वाला है उसकी स्टोरेज के लिए, यानी कि पोस्ट हार्वेस्टिंग की बात की जा रही है, और पोस्ट हार्वेस्टिंग में आपका 54 का जो आंसर है वो क्या होगा 0.0 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक आपका टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा और 65 to 70% इसके लिए ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड होगी अगर इसको आप स्टोर करना चाहते हो तो। विच कैन आर रिकमेंडेड फॉर कैनिंग ऑफ स्ट्रॉबेरी, आपकी स्ट्रॉबेरी के लिए कैनिंग प्रोसेस के लिए कौन से कैन जो है वो आपके रिकमेंड किए जाते हैं, तो याद रखना यहां पर एसिड रेजिस्टेंट जो आपके कैन होते हैं वो आपको रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए, स्ट्रॉबेरी की स्टोरेज के लिए। ए प्री स्टोरेज और प्री शिपिंग शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रीटमेंट फॉर कट फ्लावर फॉर लॉन्ग स्टोरेज और डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड एज, क्या बोला गया यहाँ पर कि आपकी जो कट फ्लावर है उसके ट्रीटमेंट के लिए। ये आपका, अगर आप लोग याद है आपको, तो एएफओ के अंदर भी एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उसके अंदर आपको जो है समथिंग अलग पूछा गया था कि आपके पल्सिंग प्रोसेस जो है वो किससे रिलेटेड है, इस प्रकार से क्वेश्चन आया था 2019 के अंदर। और ये देखिए आज जो है यहां पर भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो अब ये तो आप समझ गए होंगे कि आपका यहां पर क्वेश्चन जो होते हैं वो किसी एक एग्जाम के लिए कंफर्म नहीं होते कि एक ही एग्जाम में आएंगे, लेकिन याद रखना एक दूसरे एग्जाम के साथ ये क्या होता है आपका यहां पर अटैच होता है। तो इसको याद से अच्छे से पढ़कर जाना। ये आपका पल्सिंग होता है किसके अंदर, फ्लावर्स के अंदर, जो आपका पोस्ट हार्वेस्टिंग स्टोरेज होता है ना। तो प्री स्टोरेज और प्री स्पिंग शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रीटमेंट, जो आपका कट फ्लावर के अंदर आपका ट्रीटमेंट दिया जाता है वो हमारा क्या होता है, पल्सिंग। ठीक है, तो आप लोगों को अगर याद है तो डेफिनेटली यहां पर आप लोगों ने आंसर आराम से कर दिया होगा, नहीं तो बेटा आपका आंसर गलत हो गया होगा। नेक्स्ट है एक्रिडी द टिम्पेनम इज प्रेजेंट ऑन, जो आपका एक्रिडी के अंदर टिम्पेनम जो है वो कहां प्रेजेंट होता है, ये आप लोग जानते हो इंसेक्ट के अंदर है ना। तो कहां प्रेजेंट होगा, तो इसका आंसर जो है वो आपका क्या होगा, फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच सेगमेंट इन मेल ग्रास होफर फॉर्म्स द जेनिटल सेगमेंट। ये अगर आप लोगों ने ढंग से देखा होगा क्लास, तो आपका चंद्रभान सर ने काफ़ी टाइम पहले, अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 महीने पहले इसको पूरा का पूरा करवाया था और अच्छे से समझाया भी था आप लोगों को। तो वहाँ पर अगर आप लोगों ने इसको देखा होगा तो डेफिनेटली ये पूरा का पूरा है ना। देखिए यार, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप लोगों ने केसी सर का लेक्चर अभी 2-3 हुए थे वो, या फिर आपके मुकेश सर का सुबह वाला लेक्चर, और अगर आपने पिछले कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके जो करवाए गए थे वो, या फिर उससे पहले 3-4 एंटो के लेक्चर हुए थे है ना चंद्रभान सर के द्वारा, अगर आपने वो देखे थे, या हॉर्टिकल्चर के सेक्शन जो आपके हुए थे अगर वो देखे थे आपने, तो भी आप मैक्सिमम क्वेश्चन यानी कि 60+ क्वेश्चन को आराम से कवर कर सकते थे विदाउट एनी हार्ड वर्क है ना। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट अगर वर्क भी नहीं करते तो भी आप लोग कर सकते थे है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर है इसका कि इन मेल ग्रासहोपर फॉर्म्स द जेनिटल, जो आपका सेगमेंट है वो कौन सा होता है, तो आपका 9th एब्डोमिनल सेगमेंट जो है इसका राइट आंसर आपका रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 59 के अंदर है ट्रोमेटिक इंसेमिनेशन इज ऑब्जर्व्ड इन विच फैमिली, जो आपका ट्रोमेटिक इंसेमिनेशन है वो किस फैमिली के अंदर बिलोंग करता है, तो आपका याद रखना पड़ेगा यहाँ पर सिमिसीडी है ना। ये आपका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है डेल्टा मेथ्रीन बिलोंग्स टू विच केमिकल ग्रुप, जो आपका डेल्टा मेथ्रीन है किस केमिकल ग्रुप से बिलोंग करता है, तो याद रखना यहां पर आपका ये सिंथेटिक पैराथ्रोइड से क्या करने वाला है, बिलोंग करने वाला है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार आ चुका है, ऑलरेडी डिस्क्राइब किया जा चुका है आपके किसी एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए पेपर सर पूरा ही सॉल्व करवाएंगे क्योंकि अभी तक 59-60 हो चुके हैं, 40 क्वेश्चंस रहते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 मिनट, मैक्सिमम 20-25 मिनट लगेंगे, लेकिन ये करवा दिया जाएगा, डोंट वरी। ग्रास होफर के क्वेश्चंस आ रहे हैं लगातार जी, ग्रास होफर के क्वेश्चन जो है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए डेल्टा मैथ्रीन का क्वेश्चन आया हुआ बेटा, ठीक है, मैंने ही सोल आउट करवाया था इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको। अगर आप लोग प्रीवियस वीडियोस को देखोगे, केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनमें ही ये आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पैरास्टोइड ऑफ पपाया मिलीबग, जो आपका पपाया मिलीबग का यहाँ पर पैरास्टोइड है वो कौन सा है, तो याद रखना ये सारे के सारे ही आपके पपाया जो मिलीबग है उसके सभी के है ना, सभी के सभी क्या है आपके पैरास्टोइड है, तो आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दीज। होल्स इन कोकोनट ट्री ट्रंक विद प्रोड्रूनिंग fibrous material and brownish ooze is characteristic symptoms produced by which pest? देखो यहाँ पर क्या बोला गया कि आपके कोकोनट ट्री ट्रंक के अंदर होल करते हैं with protruding chewed fibrous material and brownish ooze is characteristic symptom produced by which pest? यानी कि ये जो आपका होल करना या वहां पर आपका ब्राउनिश जो ooze प्रोड्यूस करना, ये किस इंसेक्ट का या किस पेस्ट का इंपॉर्टेंट आपका characteristics है। अब बार बार आपने एक चीज देखी होगी कि इस प्रकार के आपके क्वेश्चन जो सिम्टम्स से होते हैं वो लगातार आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इनको जरूर आप पढ़कर जाया करो यार। ये वैसे आपका आंसर मैं बता देता हूँ, रेड पाम विविल है। ठीक है, चलिए अच्छा, ट्रेंचिंग अराउंड ग्राउंडनट फील्ड इज ए डन टू चेक द अटैक ऑफ। देखिए भाई, अब ग्राउंडनट का नाम देके ग्राउंडनट आंसर मत कर देना, इन दोनों में ही आंसर नहीं जाएगा। आंसर क्या रहेगा, रेड हेरी कैटरपिलर जो है इसका राइट आंसर होगा। विच अमंग दीज इज होस्ट प्लांट ऑफ कुसूरी स्ट्रेन ऑफ लैग, कुसूरी स्ट्रेन ऑफ लैग के लिए कौन सा आपका जो है यहाँ पर एक होस्ट प्लांट है, ये भी आपका ऑलरेडी एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा 64 का 1। नेक्स्ट है विच ग्लैंड इन हनी बी प्रोड्यूस रॉयल जेली। रॉयल जेली जो है वो कौन सी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है? रॉयल जेली जो है वो आपका लेटरल जो आपका फ्रेंजियल ग्लैंड होता है उसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिल्कवॉर्म डिजीज ट्रांसवर्सली ट्रांसमिटेड, जो आपका कौन सा सिल्कवॉर्म डिजीज है जो कि आपका ट्रांसवर्सली जो है ट्रांसमिटेड किया जाता है या हो जाता है। तो 66 का जो आंसर है वो आपका यहां पर क्या होने वाला है 3 पेब्रिन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका अगला है वाटर मूवमेंट थ्रू द एपोप्लास्ट पाथवे इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय कैस्परिन स्ट्रिप विच आर प्रेजेंट इन। यहां पर आपका जो एपोप्लास्ट पाथवे है वाटर मूवमेंट जो होता है, वाटर मूवमेंट थ्रू एपोप्लास्ट पाथवे, एपोप्लास्ट पाथवे के द्वारा जो वाटर मूवमेंट होता है इज ऑब्जर्व्ड बाय कैस्परिन स्ट्रिप्स विच इज प्रेजेंट इन। ये आपका किस में प्रेजेंट होता है? यहाँ पर अगर हम कैस्परिन स्ट्रिप के द्वारा, तो ये आपको यहाँ पर पता होगा या तो पेरिसाइकल या कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस या एपिडर्मिस। तो ये आपका एंडोडर्मिस जो अंदर का पार्ट होता है, हमेशा इनर पार्ट होता है, उसमें ये चीज प्रेजेंट होती है और वहीं से इसको क्या किया जाता है आपका नोट डाउन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द न्यूट्रिएंट विच इज फंक्शन एज सेकेंडरी मैसेंजर। आपका यहां पर ऐसे न्यूट्रिएंट को फाइंड आउट कीजिए जो कि सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है। तो याद रखना आपका कैल्शियम जो है वो सेकेंडरी मैसेंजर का यहां पर क्या करेगा, काम करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या रहेगा, आपका कैल्शियम। ठीक है, ऊज मीन्स बैक्टीरिया। अरे यार ऊज मीन्स बैक्टीरिया, ऊज वहां पर क्या बोला ऊज। देखो आप लोग जो सोचते हो ना, यही तो एक समस्या होती है हमारी, जब वहां पर आपके बैक्टीरिया के रिलेटेड कोई पॉइंट ही नहीं है और वो आपका किसी के द्वारा प्रोड्यूस किया जा सकता है ना, और राइनो हो सकता है सर। एक्चुअल में सर जो आपका अभी तक पूछा गया, फाइंड आउट किया गया, उसके अकॉर्डिंग यही आंसर मिला। बाकी अगर कुछ चेंज होता है तो डेफिनेटली यहीं पर आकर या टेलीग्राम पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल जो है वो जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। सभी बच्चों को बता दिया जा रहा है कि नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको पूरा का पूरा अवेलेबल करवा दिया जाएगा अगर कोई गलती हुई तो, क्योंकि गलती को एक्सेप्ट करना डेफिनेटली हमारा फर्ज है। क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं कह रहा हूँ, जैसे एंटोपैथो सारे क्वेश्चन मुझे भी आते हैं, तो डेफिनेटली टीम जो वर्क करती है उसके अकॉर्डिंग कई बार जल्दबाजी में क्वेश्चंस का आंसर भी गलत हो जाता है। तो आप प्लीज एक बार अगर बाय चांस हो जाता है वो गलत, तो आप भी कमेंट करके जरूर बता देना कि सर ये चीज, और कंफर्म करके हम आपको आंसर कर देंगे। वैसे नहीं होने वाले, ज्यादातर आंसर जो है आपके बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका यहां पर है व्हाट इज द नेट एटीपी प्रोडक्शन अंडर एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो आपका यहां पर आंसर क्या रहेगा 6। ठीक है, एनारोबिक जो आपका रेस्पिरेशन होता है प्लांट के अंदर, उसमें नेट टोटल जो आपका 6 एटीपी जो है प्रोडक्शन होता है। व्हाट इज द मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर। जो आपका प्योर वाटर है उसका मैक्सिमम जो वाटर पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, तो 0 होता है। ठीक है, क्योंकि वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि वाटर के ऊपर टोटल कितना फोर्स लग रहा है उसको वहां पर हेल्ड करने के लिए, होल्ड करने के लिए। तो याद रखना जब उसके अंदर अगर हम बात करें प्योर वाटर है तो डेफिनेटली उसके अंदर कोई मिनरल्स नहीं है और उसमें आपका कोई भी वाटर पोटेंशियल यानी कि बिल्कुल 0 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एक्वापोरिन्स। क्या वो दिख रहा है यहां पर, उसमें स्क्रीन में साफ नजर आ रहा है एक्वापोरिन्स, क्योंकि यहां पर बिल्कुल विजिबल नहीं है ये चीज। एक्वापोरिन्स है ना, एक्वापोरिन्स फैसिलिटी द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्वापोरिन्स आर। कि एक्वापोरिन्स जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये मूवमेंट ऑफ वाटर जो है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर उसको फैसिलिटेट करते हैं, उसको मूवमेंट को जो है कैरी करते हैं। और यहाँ पर जो एक्वापोरिन्स है वो क्या होते हैं, लिपिड होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फोटो आपके होते हैं, तो यहाँ पर प्रोटीन होते हैं। ये क्या होते हैं आपके, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट अमंग द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट। इनमें से बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट कौन सा होगा, देखो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये आपके यहाँ पर अगर हम बात करें तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, लेकिन सोडियम जो है वो आपका क्या है, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट है ना। चलिए नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द सेल ऑर्गेनेली विच इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस। इनमें से कौन सी ऑर्गेनली है जो कि फोटो रेस्पिरेशन के अंदर आपका अकर नहीं करती है या फोटो रेस्पिरेशन के अंदर पार्ट नहीं लेती है। तो याद रखना इसके अंदर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आपका पार्ट नहीं लेता है, बाकी क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और आपका पेरोक्सिसोम ये सारे के सारे जो है फोटो रेस्पिरेशन में पार्ट लेते हैं। आइडेंटिफाई द न्यूट्रिएंट व्हिच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए आपका यहाँ पर पोटेशियम जो है वो वर्क करता है और इसीलिए इसको आपका ट्रैफिक पुलिसमैन जो है वो बोला जाता है। क्या बोला गया? आपका ट्रैफिक पुलिसमैन जो है इसको नाम दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन। तो आपका 2 अक्टूबर 1952 को जो है इसको लॉन्च किया गया था। एसएमआरसी मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हैज बीन गिवन बाय, जो आपका एसएमआरसी कम्युनिकेशन मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखना ये आपका जो है डेविड बेरलो के द्वारा जो है इसको दिया गया था। नेक्स्ट आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो इनमें से कौन सा है? तो याद रखना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो आपका यूज ऑफ जेस्चर एंड पोस्चर। ओनली देखिए फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं नॉन वर्बल और वर्बल। वर्बल का मतलब जैसे मैंने आपको बताया है ना, कोई भी चीज बोलकर बताई कि भैया आप ये कर लेना ये कर लेना। अब मैं आपको बिल्कुल म्यूट रहकर है ना, ये आपका क्या है कि जेस्चर्स के द्वारा या पोस्चर के द्वारा आपका जो आंसर किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसमें बोलना यूज नहीं किया जाता। आप कम्युनिकेशन है ओरल कम्युनिकेशन में यूज करते हो, राइटिंग कम्युनिकेशन में आपका यहाँ पर बताया जाता है, ओरल एंड राइटिंग के अंदर भी बताया जाता है, लेकिन पोस्टर और जेस्चर के द्वारा ना कि ये चीज पॉइंट आउट करना कोई भी चीज वो आपका क्या होता है जेस्चर या पोस्टर का मतलब है आपका इस प्रकार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी हैज बीन गिवन बाय। जो आपका इनोवेशन थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी? तो ईएम रोजर के द्वारा इसको जो है आपका दिया गया था। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा कौन सा प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया गया था? ठीक है, तो याद रखना कि यहाँ पर आपका लैब टू लैंड प्रोग्राम जो है वो आपका आईसीआर के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलिमेंट ऑफ डिफ्यूजन आर, डिफ्यूजन के एलिमेंट जो है वो कौन कौन से हो सकते? सॉरी यार हाँ, लैब टू लैंड प्रोग्राम, क्योंकि ये आपको याद होगा सिल्वर जुबली जो आपकी थी आईसीआर की उसके ऊपर इसको लॉन्च किया गया था, है ना। चलिए नेक्स्ट आपका है एलिमेंट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? तो याद रखना यहाँ पर डिफ्यूजन के एलिमेंट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका आंसर जाएगा 4 इनोवेशन, कम्युनिकेशन चैनल, टाइम एंड सोशल सिस्टम। ये सारे के सारे जो है आपका यहाँ पर डिफ्यूजन के ही एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट ऑफ लर्निंग सिचुएशन की अगर हम बात करें तो एक्सटेंशन का क्वेश्चन थे ये सारे के सारे, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर जो जाएगा 81 का वो आपका थर्ड रहेगा, यानी कि टीचर, सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग मटेरियल, फिजिकल फैसिलिटी और लर्नर। ठीक है, ये इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1974, है ना। याद होगा आपको अच्छे से, बहुत बार आपके साथ आया होगा, हमने आपके सामने डिस्कस भी हुआ होगा बहुत बार, है ना। और कहाँ एस्टैब्लिश हुआ था भाई पहली बार? ये आपका पुदुचेरी, है ना। और किसके अंडर में? टीएनयू के अंडर में, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंडर में। अच्छा अगला है अंडर लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के अंडर में क्या होता है? तो याद रखना यहाँ पर आपका जो है प्राइस ऑफ कमोडिटीज एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये भी होता है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप इज फाउंड बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ये भी होता है, आपका क्वांटिटी डिमांड इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल ये भी होता है, यानी कि सारा ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। और आज आई थिंक सो मॉर्निंग में ही ये क्वेश्चन आपको करवाया गया था। ठीक है जी, जतिन कुमार जैन जी स्किप हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन बोलते बोलते है ना, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, माफी चाहता हूं गोल्डन जुबली। ठीक है, चलिए गोल्डन जुबली के ऊपर आपका लैब टू लैंड प्रोग्राम जो है वो आपका लॉन्च किया गया था, ना कि सिल्वर जुबली के ऊपर। ठीक है जतिन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हेन टोटल यूटिलिटी बिकम मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी विल बी। अगर टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम पर पहुंच जाती है तो आपका यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? जीरो होगा, मिनिमम होगा, एवरेज होगा या फिर आपका नेगेटिव होगा। तो याद रखना ये आपका क्या होगा? जीरो होगा, है ना। ये आपको मॉर्निंग में बताया गया था अगर आपने सुना है तो। नेक्स्ट है सॉल्वेंसी ऑफ ए बिजनेस कैन बी डिटरमाइंड बाय इवेल्युएटिंग द, जो आपका बिजनेस का सॉल्वेंसी है वो किसके द्वारा आप लोग उसको यहां पर कर सकते हो या मेजर कर सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट के द्वारा, डेट टू इक्विटी रेशियो के द्वारा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो के द्वारा या नेट इनकम के द्वारा। तो आप सब लोग जानते हैं यहाँ पर जो आपका ये है, इसके अंदर हम लोग इसको डेट टू इक्विटी जो रेशियो होता है उसके द्वारा हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं या उसके द्वारा हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इन क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन आपका रेशनल जोन इज ऑलवेज, जो आपका यहाँ पर क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन है उसके अंदर कौन सा रेशनल जोन जो है वो आपका सेकंड जोन है, फर्स्ट जोन है, थर्ड जोन है या फिर ऑल ऑफ थ्री जोन है। तो याद रखना यहाँ पर 86 जो है इसके अंदर आपका सेकंड जोन होगा वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ डिस्पर्जन, इनमें से कौन सा डिस्पर्जन का मेजर नहीं है। तो याद रखना यहाँ पर मीडियन जो है वो डिस्पर्जन का मेजर नहीं है, बाकी मीन, स्टैंडर्ड या फिर आपका क्वार्टाइल ये तीनों के तीनों जो है आपके क्या हैं, आपके डिस्पर्जन के हैं, लेकिन डिस्पर्जन का मीडियन जो है वो यहाँ पर नहीं है। एक रॉन्ग डिसीजन अबाउट हाइपोथेसिस लीड्स टू, आपका जो रॉन्ग डिसीजन है हाइपोथेसिस का वो किसको लीड करता है, वन काइंड ऑफ एरर, टू काइंड ऑफ एरर, थ्री काइंड ऑफ एरर या फोर काइंड ऑफ एरर। तो याद रखना ये आपका टू काइंड ऑफ एरर को जो है आपका यहाँ पर लीड करता है या उसको जनरेट करता है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज वैल्यू फ्रॉम, तो आप इन्हें ये बिल्कुल राइट आंसर किया हुआ है -1 से 1, ये आपका स्टैट का क्वेश्चन था यहाँ पर। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है अगला, अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इरोजन इज नॉट ए टाइप ऑफ सॉइल इरोजन कॉज्ड बाय, आपका इनमें से सॉइल इरोजन कौन सा नहीं है। देखिए अच्छे से समझने की कोशिश करना, ये अच्छा क्वेश्चन इन्होंने दिया है यहाँ पर। आपका क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इरोजन इज नॉट ए टाइप ऑफ सॉइल इरोजन कॉज्ड बाय वाटर, यानी कि वाटर इरोजन का कौन सा टाइप नहीं है, ये पूछा गया है। तो जरा देखिए आपका सेट इरोजन क्या होता है, वाटर इरोजन का टाइप होता है, रील इरोजन भी आपका वाटर इरोजन का टाइप होता है, ये दो में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्वेश्चन आपने देखा रेनड्रॉप और दूसरा देखा सैंड ड्यून, तो आपको कंफ्यूजन होगी कि भाई ये क्या होता है। तो आप लोग बोलोगे सर रेनड्रॉप तो ड्रॉप होती है, भाई रेनड्रॉप जब गिरती है तो स्प्लैश इरोजन होता है, याद है आपको, और यहां पर स्प्लैश इरोजन होगा तो ये भी वाटर इरोजन का टाइप है, लेकिन आंसर क्या है, सैंड ड्यून कभी भी इसका वाटर इरोजन का टाइप नहीं होता। तो आंसर क्या जाएगा आपका, सैंड ड्यून्स। नेक्स्ट है The major difference between drying and dehydration. ड्राइंग और डिहाइड्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, कोई भी चीज ड्राई होना और कोई भी चीज में से डिहाइड्रेट करना। देखो ड्राई उस चीज को किया जाता है जो आपकी ऑलरेडी सॉलिड या सेमी सॉलिड है लेकिन उसमें वाटर प्रेजेंट है, लेकिन डिहाइड्रेशन जो होता है एक वाटर कंटेनिंग कंपाउंड में से आपका डिहाइड्रेशन किया जाता है। तो आंसर यहां पर क्या होगा, ड्राइंग इज रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड, वाइल डिहाइड्रेशन इज रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर कंटेनिंग कंपाउंड। समझ में आ गया कि आपका ड्राइंग कोई भी चीज में से जब आप मॉइस्चर को रिमूव करते हो, आपका चाहे किसी भी प्रकार से किया जा रहा है, वो सारा का सारा क्या होता है, ड्राइंग होता है। लेकिन यहां पर डिहाइड्रेशन जो है वो वाटर कंटेनिंग कंपाउंड से आपका रिमूव करने के जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं आपका, तो कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन आर इन द ऑर्डर ऑफ, तो ये आपका जो यहां पर कंप्रेशन रेशियो है वो आप सब लोग जानते होंगे 14 से लेके 22:1 तक होता है, लेकिन यहां पर 20:1 यही एक आपका एग्जैक्ट ऑप्शन शो कर रहा था इन बिटवीन, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, यही होगा। नेक्स्ट है फरो ओपनर यूज इन जीरो टिले सी ड्रिल आर, कि आपके जो फरो ओपनर होते हैं जीरो टिल ड्रिल के अंदर यूज किए जाते हैं, उनको आप यहाँ क्या बोलते हो, है ना, शू टाइप होते हैं, इन्वर्टेड टी टाइप होते हैं, आपके हॉय टाइप होते हैं या फिर डिस्क टाइप होते हैं। तो याद रखना ये आपका यहाँ पर 3 नंबर यानी कि इन्वर्टेड टी टाइप होते हैं। कैसे होते हैं आपके, इन्वर्टेड टी टाइप। नेक्स्ट आपका अगर हम बात करें तो द मेन कंबस्टेबल कंपोनेंट ऑफ बायोगैस आर, कि आपका जो मेन यहाँ पर कंबस्टेबल अगर हम बात करें कंपोनेंट है तो वो कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन होता है, या आपका कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, या मीथेन आपका हाइड्रोजन होता है। तो आप सब लोग जानते हैं कि जब भी हम बायोगैस की बात करेंगे तो बायोगैस के अंदर मेन जो आपका कंबस्टेबल जो आपका कंपाउंड होता है, मेन कंबस्टेबल जो आपका कंपोनेंट होता है वो आपका कौन सा होता है। तो याद रखना यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा, जो है मीथेन, क्योंकि मीथेन उसके अंदर एक मेन कंपोनेंट होता है। आप सब लोग जानते हो गोबर गैस किससे बनती है भाई, उससे क्या कौन सी गैस निकलती है, मीथेन निकलती है। तो आपका आंसर एक यहां पर कंफर्म कर रहा था, दूसरा तो ऑटोमेटिक इसके साथ सही हो जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा आपका, मीथेन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या है, टू इंप्रूव मिल्क प्रोडक्शन ऑफ नॉन डिस्क्रिप्ट बफेलो द फॉलोइंग ब्रीड इज वाइडली यूज फॉर ब्रीडिंग। अरे भाई बफेलो की एक ही तो बेस्ट ब्रीड है और नाम क्या है, मुर्रा। तो डेफिनेटली आंसर क्या जाएगा आपका, मुर्रा। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट अविकानगर। कहां लोकेटेड है ये आपका, अविकानगर में है ना। अविकानगर कहां है आपका, राजस्थान में है ना। तो ये आप सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपका है हाईली सूटेबल क्रॉप फॉर मेकिंग गुड क्वालिटी साइलेज। आपका गुड क्वालिटी साइलेज बनाने के लिए कौन सी क्रॉप आपकी सूटेबल है? अरे भाई आपको सब पता है ना, आपकी कौन सी होती है? मेज। जोर से बोलिए जरा। हाँ चलिए, नेक्स्ट है आपका ड्यूरिंग मिल्किंग प्रोसेस नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क लेट डाउन। देखिए भाई मिल्क लेट डाउन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? आपका ऑक्सीटोसिन। कौन सा होता है? आपका ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है आपका प्रेसलर फॉर्मूला फॉर डायमीटर इंक्रीमेंट वाइल डी इज डायमीटर आफ्टर एन ईयर्स, डी इज इनिशियल डायमीटर, है ना। डी आपका यहाँ पर जो है डायमीटर है एन ईयर के बाद, और आपका जो यहाँ पर डी स्मॉल डी है वो क्या है? आपका इनिशियल डायमीटर है। तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रेसलर फॉर्मूला है वो इनमें से कौन सा होने वाला है? तो 99 के लिए याद रखना आपका यहाँ पर ये राइट आंसर है। कौन सा? आपका ये वाला। ये एक्चुअल में जब आप लोग फॉरेस्ट मेंसुरेशन को पढ़ते हो तो उस समय आपका आता है कंप्लीट। तो फॉरेस्ट मेंसुरेशन के अकॉर्डिंग ये आपका ये राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पर अगला है 100 क्वेश्चन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस। अच्छा, शिफ्टिंग कल्टिवेशन कहां होती है? नॉर्थ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का आपका एक स्टेट यहां पर बताइए कौन सा है? हिमाचल है क्या? नहीं। पंजाब है क्या? नहीं। हरियाणा है क्या? नहीं। बचा क्या? अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर क्या होगा? आपका अरुणाचल प्रदेश। तो उम्मीद करता हूं कि आंसर की आपको पसंद आई होगी, और बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। कल से नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। आंसर की में कोई भी आई थिंक सो गलती नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर है तो उसको जरूर रिजॉल्व आउट किया जाएगा। लेकिन 100% आंसर की सही है अभी तक के अकॉर्डिंग। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, उसको आपको सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा अगर गलत हुआ तो, वरना आंसर की बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।